डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा से टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट या फिर आप बोल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। एंड उसके बाद हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था, आज हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। सो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास में। पहले हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और आपके डॉट प्रोडक्ट में अंतर क्या था। तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास में क्वांटिटी आती है एक स्केलर, इसलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास में जो क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर आएगी, इस वजह से आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। इसमें आपको एक ना एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी होती है, डॉट प्रोडक्ट में आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में ए क्रॉस बी हम करेंगे तो हमारे पास में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन थीटा हमारे पास में आएगा। साथ में आप लोग को यहाँ पर एक डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है एन कैप। एन कैप हमें पता है कि यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, हमारे डायरेक्शन स्पेसिफाई करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एन कैप हमने सिंपल एक डायरेक्शन ले ली है। अब हम देखते हैं कि हम इस डायरेक्शन को निकाले कैसे, कैसे हम लोग एन कैप को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एन कैप को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लेते हैं, आप राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हैं आप इसको, या फिर स्क्रू रूल बोल सकते हैं आप इसको। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने आप अपने हाथों को लेना है। तो थंब को आपको सिंपल थंब को छोड़ देना है। आपको अगर ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाना है, अगर हम कर रहे हैं एक्स क्रॉस, मतलब एक्स की तरफ है आई कैप, ये है आपका जे कैप। अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो हम आई से जे की तरफ अपनी उंगली को इस तरीके से करना है, हमें अपनी फिंगर्स को क्या करना है, आई से जे की तरफ करना है, जैसे आपको इस डायग्राम में शो करा हुआ है। तो आपका थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा तो आपको वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, आपका एन कैप की डायरेक्शन है। तो इस तरीके से जब आप करोगे एक्स की तरफ से वाई की तरफ जाएंगे तो हमारे पास में जेड एक्सिस की तरफ आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा के कैप। बट अगर मैं बोल दूं आपसे कि जे क्रॉस आई कर दीजिए, जे क्रॉस आई जब आप करेंगे तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से हमें अपोजिट मूव करना है। अब इस हैंड से तो हम लोग अपोजिट मूव करेंगे, तो राइट हैंड से जब आप अपोजिट मूव करेंगे वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे तो आप इस तरीके से आएंगे तो हमारे पास में नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा माइनस ऑफ के कैप। ठीक है, अभी अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि प्लस और के कैप माइनस के कैप कैसे आया, तो इसके लिए मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ से हम लोग सिंपल देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ का देखिए, हमारे पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है ये है एन कैप। यहाँ से अगर मैं एन कैप की बात करूँ फाइंड आउट करने की, तो एन कैप हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये हो सकता है। अब आप एक चीज़ देखिए, जब आप इसका, ये तो आपके पास में वेक्टर, वेक्टर के अंदर आपके पास में डायरेक्शन भी है, बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो हम सिर्फ इतना ही तो लिखेंगे, ये क्या है, इसमें आपका ये चीज़ है मैग्नीट्यूड, ये चीज़ है वेक्टर। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा। तो एन कैप हमारे पास में आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा एन कैप। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो यूनिट वेक्टर एन कैप है वो हमेशा ही ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के ही परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा जब हम क्रॉस निकालेंगे। तो बहुत बार क्वेश्चन में आपसे बोलेगा फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, इसको हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ए क्रॉस बी की, अगर मैं ए से बी की तरफ मूव करूँ, अपना राइट हैंड ए से बी की तरफ मूव करें हम लोग, तो इस तरीके से रखेंगे, तो आपको ये ए से बी की तरफ मूव करता, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा एन कैप। ओके, अगर मैं इसको बी से ए की तरफ लाऊं तो बी से ए की तरफ के लिए मेरे को इसको नीचे लेना पड़ेगा, तो ये हमारे पास में नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें आप लोग को एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो हमारे पास में आ रहा है प्लस का एन कैप, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। बट जब आप बी क्रॉस ए कर रहे हो तो हमारे पास में आ रहा है ए बी साइन थीटा माइनस का एन कैप, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, इससे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को आगे लेने वाले हैं। क्लियर हो रहा है? तो अब आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास में है ये, हमारे पास में यहाँ पर हम लोगों ने जैसा भी देखा कि बी ए क्रॉस बी हमारे पास में क्या है ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप, यहाँ पर हमारे पास में बी क्रॉस ए क्या आ रहा था ए बी साइन थीटा माइनस ऑफ एन कैप। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए क्या है हमारे पास में माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो आंसर अलग आएगा, जब आप बी क्रॉस ए कर रहे हो तो आंसर अलग आएगा, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ओके,
इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। आगे आप लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी। अब हमें ए क्रॉस बी किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब आप बोलोगे कि ए क्रॉस बी तो हमें पता चल गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, बट जैसे अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट में सिंपल ए बी ए वेक्टर और बी वेक्टर से ही फाइंड आउट कर लेते थे कि डॉट क्या है उनके कॉरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई कर करके, तो इसी तरीके से हम लोग ए क्रॉस बी में भी एक ट्रिक है हमारे पास में। तो लेट अस सपोज हमारे पास में दो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। बी वेक्टर है हमारे पास में एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। ए क्रॉस बी को निकालने के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट रो में डिटर्मिनेंट बनाएंगे थ्री इंटू थ्री का। फर्स्ट रो में हम लोग लिखेंगे आई जे के, सेकेंड रो में हम लोग ए वेक्टर के जो आपके कोफिशियंट्स हैं उनको लिखेंगे एक्स वन वाई वन जे वन जेड वन सॉरी। आप फिर बी वेक्टर के थर्ड रो में लिखेंगे एक्स टू वाई टू जेड टू। इस तरीके से आप लोगों को एक डिटर्मिनेंट बनाना है आई जे के ए वेक्टर के एंड देन योर बी वेक्टर के, ठीक है। ये चीज़ आ गया आपके पास में। अब आप इस डिटर्मिनेंट को सिंपली सॉल्व करेंगे आपके पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा और आई जे के साथ में आएगा। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे उससे आप लोग देखोगे आई जे के भी आएंगे, तो आई जे के आएंगे तो हमें पता चल पाएगा यहाँ से क्या आया है एक वेक्टर आया है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को? तो एक और चीज़ का, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये हमारे पास में आई एक्सिस, ये है जे एक्सिस, ये है आपके पास में के, ठीक है आई जे के कैप है। तो अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हो तो आपके पास में आएगा के कैप, अगर आप जे क्रॉस के कर रहे हो तो आपके पास में आएगा आई कैप। तो इस तरीके से करने से अच्छा यहाँ पर आपके पास में एक शॉर्ट ट्रिक है, काफ़ी अच्छी ट्रिक है और ये बहुत बार यूज़ होती है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल में हम लोग आई जे एंड के को मार्क कर लेंगे इसी तरीके से। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप पॉजिटिव लेंगे, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप नेगेटिव साइन को साथ लेकर चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से चलना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज की बात कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपके पास में अगर आप कर रहे हो आई क्रॉस जे, अगर आप आई से जे की तरफ आ रहे हैं तो जो बचा हुआ है आपके पास में के वो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। अगर आप जे क्रॉस के कर रहे हैं तो जो बचा हुआ आपके पास में आई है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप के क्रॉस आई कर रहे हैं तो बचा हुआ जे आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर इसी तरीके से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज आएँ, हम लोग क्या करें अगर आई क्रॉस के करें तो हमारे पास में आंसर जे कैप तो आएगा, बट क्योंकि आप आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो तो आपके पास में एक नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का जे कैप आएगा। ओके इस तरीके से जब आप के क्रॉस जे करेंगे तो आपके पास में आई कैप बचेगा और साथ में आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो नेगेटिव का आई कैप आएगा। जब आप जे क्रॉस आई करोगे तो आपके पास में आएगा माइनस का के कैप। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को? इसको आप लोग वेरीफाई भी करके देख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, और या फिर आप यहाँ से याद करना चाहें तो एक ट्रिक से भी आप लोग सिंपली देख सकते हैं। आप इस ट्रिक का चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बहुत ही उम्दा ट्रिक है। आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ को। यहाँ पर हमारे पास में है अगर हमारे पास में थीटा हो जाता है पाई बाय टू, अगर थीटा पाई बाय टू हो जाएगा तो ए क्रॉस बी आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ पाई बाय टू। साइन ऑफ पाई बाय टू होता है हमारे पास में वन, बट अगर थीटा हमारे पास में हो जाए जीरो तो साइन ऑफ जीरो हमारे पास में होता है जीरो, तो आपके पास में ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में थीटा जीरो है, जैसे कि अगर हम इस वाले केस में देखें तो अगर मैं आई क्रॉस आई कर रही हूँ या फिर मैं जे क्रॉस जे कर रही हूँ या फिर मैं के क्रॉस के करूँ तो हमारे पास में इन तीनों का आंसर कितना आएगा जीरो आएगा, क्योंकि इन तीनों के बीच में एंगल कितना है जीरो का है, आई और आई के बीच में एंगल जीरो का है, तो आपके पास में साइन जीरो जीरो हो जाएगा। इसी अब अगर मैं आगे देखूँ पाई बाय टू के केस को तो आपको बताइए कि आई क्रॉस जे हमारे पास में के कैप आएगा। इस तरीके से आप लोग को ये सारी चीज़ें तो पता ही हैं। अब अगर मैं यहाँ से थीटा को मेरे को फाइंड आउट करना है, मेरे को क्रॉस गिवन है, तो हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर हो रहा है आपको? ये भी मैंने बता दिया कि वेक्टर प्रोडक्ट आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैराग्राम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखेंगे भी। अब नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से आया, पूरा प्रूफ के साथ में हम लोग करेंगे, इसीलिए मैं इस वीडियो में निकाल रही हूँ क्योंकि उस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, प्रूफ के साथ में समझेंगे। अब आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखिए वेक्टर्स की, तो अगर मेरे पास में आ रहा है ए क्रॉस बी प्लस सी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। बट ध्यान दीजिएगा अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से लिखना है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिखोगे कि बी क्रॉस ए, क्योंकि हमें पता है वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है और ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत बार यूज़ भी होने वाली है। इसको देखिए सेकंड आपके पास में होता है अगर हम लैम्डा कर रहे हैं ए क्रॉस बी का,
या फिर आप लैम्डा पहले एक ए वेक्टर में कर दें फिर क्रॉस करें बी के साथ में, या फिर आप ए वेक्टर को एज इज रखें लैम्डा को बी के साथ में कर दें तब क्रॉस करें, तो आपको तीनों ही क्वांटिटीज़ में, तीनों ही केसेस में जो क्वांटिटी है वो आपको इक्वल मिलने वाली है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपके उसमें क्वेश्चन ही आपको गिवन है किस तरीके से आप ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करते हैं। तो जब आप ए क्रॉस बी को लेंगे तो आपको इसमें आई जे के ए के बी के, तो आप जब इनको क्रॉस करेंगे सिंपल आपको डिटरमिनेंट की तरह इनको ओपन करना है। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ से हमें ए क्रॉस बी निकालना आ जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमें ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारे पास में हो जाएगा आई जे के, और ए के हम लोग रखेंगे 2, 1, 3। अब हम बी के रखेंगे आई जे के वो तो आपके इसमें हो जाएगा 3, 5, एंड के साथ में आपके इसमें -2। अब आप इसको ओपन करेंगे डिटरमिनेंट के साथ में। सबसे पहले हम लोग आई कैप को एज इट इज रखते हैं, तो हमेशा आपको फर्स्ट रो के अलोंग ही डिटरमिनेंट को ओपन करना है। तो हमने आई को रखा, यहाँ पर हो गया -2 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, या आपने आई कैप को एज इट इज रखा यहाँ पर हो जाएगा आपके इसमें -2 -15। माइनस करेंगे हम लोग क्योंकि जे कैप सेकेंड साइड में, तो माइनस जे कैप इसके उनको हाइड करेंगे हो जाएगा 2 इंटू 2 4, -3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 -9, इस तरीके से आपके इसमें जे कैप आ गया। इस तरीके से आप ओपन करके के कैप को भी निकाल सकते हैं। तो आपको आई जे और के को एज इट इज रखना है, इनके साथ साथ के जो नंबर हैं वो आपको मिलते जाएंगे, आपके पास में ए क्रॉस बी एक वैक्टर आ गया। बट हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग रूट ऑफ -17 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर करेंगे, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी, एंड आपके पास में सेकेंड वेक्टर है ए माइनस बी। आपको एक देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था आपको क्वेश्चन में बोल देगा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो एंड इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर आपसे बोला है आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के परपेंडिकुलर हो। सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे, फिर हम ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता चल गया ए प्लस बी वैक्टर और ए माइनस बी वैक्टर के परपेंडिकुलर वैक्टर क्या होगा, उनके क्रॉस का होगा। तो हम उनका क्रॉस करेंगे, अब हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें पता है अगर मैं इसको मान लूँ सी वैक्टर, तो सी वैक्टर मेरे पास में आ चुका है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, यूनिट वैक्टर सी कैप। तो सी कैप के लिए हमारे पास में हो जाएगा सी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वैक्टर। सी वैक्टर मेरे को क्रॉस करके मिल गया, मैग्नीट्यूड में फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो सी कैप हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। क्लियर हुआ यहाँ तक आप सभी को? आप एक और चीज़ का ध्यान दीजिए कि हमारे पास में हमेशा ही दो ऐसे वेक्टर होंगे जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, मतलब अगर मैं ए और बी, मेरे पास में वेक्टर है ए और बी, मेरे से बोले इनके परपेंडिकुलर निकालो, तो दो वेक्टर मेरे को मिलेंगे जो इनके परपेंडिकुलर, एक तो आपका एन कैप पॉजिटिव का, एक आपका माइनस का एन कैप, हमेशा आपको दो मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन में एक ही फाइंड आउट करना है, दूसरा आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, अगर आपका इसमें एक आ गया, ये आपका इसमें आ गया, तो दूसरा क्या होगा, हमेशा इसके माइनस साइन के साथ में होगा। तो सेकेंड जो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास में होगा वो आप जब इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में होगा। क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास में दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर मेरे से बोले इनके परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करो, तो वो दो होंगे हमारे पास में, एक एन कैप, एक आपके पास में माइनस का एन कैप। तो आपको एक ही फाइंड आउट करना है, दूसरे के लिए क्या करना है, उसके अंदर माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक आप सभी को? आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें आपसे बोला है आपको ए बी सी गिवन है, आपको एक वेक्टर डी इस तरीके से फाइंड आउट करना है जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो और सी डॉट डी उसका 15 आ जाए। तो अब देखिए हमारे पास में ए वेक्टर है बी वेक्टर है, अब हमें डी वेक्टर कैसा फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर हो ए बी के। तो हम एक यूनिट वेक्टर ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं जो ए बी के परपेंडिकुलर होगा। अब डी वेक्टर क्या है, डी वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर, तो डी वेक्टर क्या होगा, उस यूनिट वेक्टर के पैरेलल जाएगा। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी करके एन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, कौन सा ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर है। डी वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा एन वेक्टर के, जो लैम्डा टाइम्स मतलब क्या, पैरेलल हो जाएगा एन वेक्टर के। फिर हम सी डॉट डी करके देख लेंगे 15, वहाँ से हमारे पास में लैम्डा आ जाएगा और हमारे पास में फिर डी वेक्टर आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया, ए क्रॉस बी जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास में एक वेक्टर आ गया एन वेक्टर जो हमें चाहिए था। अब हमें पता है कि डी वेक्टर क्या है, इसके पैरेलल है, तो डी वेक्टर अगर पैरेलल है इसके तो ये हो जाएगा डी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। तो जब आप इसमें लैम्डा टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर, कि डी हमारे पास में आ चुका है, हमें गिवन है कि सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना है 15 है,
तो सी डॉट डी हम करेंगे यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो ये है हमारे पास में डी वेक्टर। सी वेक्टर हमें क्वेश्चन में गिवन है, सिंपल आपको डॉट करके 15 के इक्वल करने आपके पास में लैम्डा आ जाएगा 5/3। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर हो रहा है। अब आप इस पूरे क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए क्वेश्चन किस तरीके से किया गया है। आप यहाँ पर सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर को क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप लोगों को अपनी वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना है। एंड आप लोगों को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोगों को सारे ही लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ में। Please do like, share and subscribe. Thank you so much for watching the lecture till the end. Till then, take care. Bye bye. I'll meet you guys in the next lecture.